कल पप्पा का आगमन धूमधाम से हो चुका है और पप्पा ने ढेर सारे मोदक भी खा लिए, इसलिए आज पप्पा के लिए कुछ अलग भोग बनाते हैं। गुड़ पप्पा को बहुत पसंद है, तो चलिए गुड़ से ही कुछ झटपट और टेस्टी नैवेद्य बनाते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून घी लेकर 2 कप मखाने रोस्ट कर लिए हैं। अब उसी पैन में 1 टेबलस्पून घी लेंगे और लगभग 1 कप के करीब गुड़ इसमें ऐड करेंगे और मेल्ट होने तक इसे चलाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। इसे चेक करेंगे ठंडे पानी में, अगर ये शेप में बॉल जैसा हो जाता है तो ये मिश्रण बनके तैयार है। लगभग 1/4 कप के करीब इसमें तिल ऐड करते हैं। तिल को कच्चा ही ऐड किया है, अच्छे से मिक्स करते हैं। 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड कर लेते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद भुने हुए मखाने इसमें डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं इन सभी मखानों पर गुड़ की अच्छे से कोटिंग हो गई है। लगभग 1 मिनट के लिए इसे उलटते पलटते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे तुरंत ही दूसरी थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है, जब ये हल्का ठंडा रहे तभी इन बॉल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लेना है। तो लीजिए, तैयार है बप्पा के नैवेद्य के लिए तिल गुड़ वाले कैरमलाइज्ड मखाने। यकीनन बप्पा को ये बहुत पसंद आएंगे। स्वाद और सेहत से भरपूर झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए।